जाने से पहले काम याद आ गया, वो करके जाता। भैया ये क्या कर रहे हो आप? ये मेरा पिस्तौल। निधि ने घर छोड़ दिया और भाई यहाँ पर सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हमने देखा था ना किस तरीके से लक्ष्मी के ऊपर उसने गुस्सा किया था, नौकरानी वगैरह बोल दिया था, और यहाँ पर कार्तिक को भी गुस्सा आ गया था। क्या ये क्या किया आपने? तुम्हारे रियली? जहाँ तक मुझे याद है विकास तो हमारे, सिर्फ नाम तुम्हारा है। यहाँ पर लक्ष्मी की लग भी गई थी हाथ में, उसके खून वून भी निकल गया था, और निधि यहाँ पर गुस्सा होके चली जाती है और घर छोड़ के चली जाती है। चिट्ठी में लिख जाती है कि भाई मैं तुम्हारा घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं पेमेंट कैसे करूंगी? फ्रेंड्स है ना तुम्हारे, ये करेंगे पेमेंट। गाइस आप में से कोई एक पेमेंट कर दे। वो मुझे तो भागना होगा, मैं ज़ुम्बा क्लासेस है, सो सॉरी। अब ये सारे लोग परेशान हो रहे हैं, देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पर अचानक से ना लक्ष्मी के चाचा का फोन आता है और बोलते हैं कि भाई जो तुम्हारी नंद है ना निधि, वो यहाँ पर रेस्टोरेंट में किसी से झगड़ा कर रही है। हाँ, और वैसे भी निधि की ट्रीट थी ना, तो मैं तो वॉलेट ही नहीं कैरी कर रही हूँ। तुम मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना। हाँ हाँ ठीक है, मैं ड्रॉप कर देती हूँ, चलो बाय। सो ये फ्रेंड्स है तुम्हारी? मतलब वेटर को वो कुछ उल्टा सीधा बोल रही होती है, और लक्ष्मी को थोड़ा अच्छा तो लगता है क्योंकि भाई निधि मिल गई, लेकिन जब वो झगड़े का नाम सुनती तो परेशान हो जाती है और लक्ष्मी और कार्तिक आ जाते हैं। जो जरूरत पड़ने पे तुमको छोड़कर चले गए, ये फैमिली जिसको लाख ताने मारने के बाद भी वो तुम्हें लेने के लिए आ गए। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा हमारे साथ चलने के लिए, क्योंकि तुम खुद समझदार हो, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास यहाँ पर रेस्टोरेंट में। और इतने में ना जो निधि होती है वो देख लेती है लक्ष्मी को। अब लक्ष्मी को देखते ही उसका पारा हाई हो जाता है, उसको यहीं पर ही सुनाने लगती है, उसको बदतमीज वगैरह बोलने लगती है, नौकरानी बोल देती है, और उसको बोलती है कि अभी तुम अगर यहाँ से नहीं गई ना तो मैं अभी ढक्के देकर बाहर निकलवा दूंगी, सिक्योरिटी को बुलाती हूँ मैं अभी। यहाँ रुकना है तो रुको, या फिर हमारे साथ चलना है तो चलो, लेकिन देखिए तमीज के साथ चलना होगा। और ये सारी चीजें ना कार्तिक भी सुन रहा होता है, तो यहाँ पर देखेंगे भाई किस तरीके से यहाँ पर निधि को डांट वगैरह पड़ेगी और यहाँ पर उसको घर लेके जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाई सोम्या को अब अम्मा ने घर से बाहर निकाल दिया है। होता ये है कि यहाँ पर सोम्या और अदित का तो प्लान होता है ना कि भाई अम्मा और मैं मंगल को भेज देता हूँ यहाँ पर बाहर और हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हो जाता है। यहाँ पर अम्मा बोलती है कि भाई तू यहाँ पर क्या करेगा अकेले अदित घर पर, तू भी हमारे संग चलो, और उसको भी साथ में लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पर इशिका और सोम्या ना भाई बाहर से पिज्जा वगैरह मंगा लेते। अब इशिका को तो एलर्जी है बाहर के खाने से, और यहाँ पर पिज्जा खाते ही उसके ना रैशेज वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं और उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। अब अचानक से मंगल और अम्मा और अदित भी आ जाते हैं और वो घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया। पहले तो इशिका बताती नहीं कि भाई मैंने पिज्जा खाया था, यहाँ पर वो बोलती थी कि जो मम्मी ने खाना बनाया था ना वो ही खाया था। अब ये सारी चीजें देखकर ना अदित गुस्सा हो जाता है मंगल के ऊपर, वो कहता है कि तुम क्या ये सब